तो हेलो एंड जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल सबके। और यार आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं अपने इंडियन रेलवे सिम्युलेटर के अपडेट के बारे में। तो यार यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी फोटोज़ आपके साथ अब तक शेयर कर दी अपने IRS के अपकमिंग अपडेट के बारे में। और यहाँ पर पिछली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो काम है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको एक रिलीजिंग डेट बताने वाला हूँ, कब जो आपका जो गेम का अपडेट है वो यहाँ पर रिलीज होने वाला है। क्योंकि यार आप लोगों की तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे थे कि भाई आपने फोटोज़ तो शेयर कर दी हैं लेकिन उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ और हमें बताओ कि जो अपडेट है वो यहाँ पर कब रिलीज़ होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। शुरू करते हैं। तो भाई अपडेट की यहाँ पर खास बात ये होने वाली है कि इस बार जो आपका अपडेट है यहाँ पर एक मेगा अपडेट होने वाला है, यानी कि पहले से आपका जो गेम है वो पूरी तरीके से यहाँ पर चेंज होने वाला है। अगर हम यहाँ पर ग्राफिक्स की बात करें, अपने UI की बात करें, यहाँ पर कोचेस की बात करें, रूट के डिज़ाइनिंग की बात करें, तो पूरी तरीके से आपका जो गेम है वो यहाँ पर चेंज होने वाला है। अब यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ फोटो शेयर कर रहा हूँ, आप उसको देखो। यहाँ पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी आपको इस बार देखने को मिलने वाली है अपने गेम में। साथ ही साथ गरीब रथ तो अपने पहले से थी ही, लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार अपनी ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपने गेम में आपको इस बार देखने को मिलने वाली है। और जो ग्राफिक्स है उनको यहाँ पर पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश भी करी गई है। और यार अपने बात करें अपने वैग 12 की, तो अपना जो वैग 12 है वो भी यहाँ पर आपको अपने IRS में नेक्स्ट अपडेट्स में देखने को मिलने वाला है। अभी फिलहाल जो वैग 12 अपने ITS में आने वाला है, लेकिन उसके बाद अपने IRS में और उसके बाद अपने IRTS में भी आपको वैग 12 देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन एक्सप्रेस यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए आपको IRS में ही देखने को मिलती है, अपने ITS में भी है बट उस तरह से वो कस्टम मोड में अवेलेबल नहीं है, आप यहाँ पर उसको स्टोरी मोड में प्ले कर सकते हो। तो भाई अब यहाँ पर बात करें अपडेट की रिलीजिंग डेट के बारे में, तो भाई आपका जो अपडेट है अभी जुलाई में तो नहीं आने वाला है, अपने अगस्त के मिडल में आपका जो अपडेट है वो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि काम अभी भी यहाँ पर चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रोजेक्ट फाइल है वो यहाँ पर डिलीट हो चुकी थी, तो सारे प्रोजेक्ट को रिकवर करने में और जो अपडेट है उसको दोबारा से बनाने में यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम आपका लगने वाला है, अगस्त के मिड में यहाँ पर आपका जो अपडेट है वो आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले अगर काम जल्दी हो जाता है तो भी मिल जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो अपनी टारगेट रखा गया है वो अपना अगस्त का मिडल रखा गया है। तो अगस्त के मिड तक यहाँ पर आपको वेट करना है, आपका जो अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर ये छोटी सी वीडियो आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर ऐसा कुछ है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए थे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी वीडियो के साथ। दिस इज सन साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।